हेलो फ्रेंड्स, आज बना रखी हमने चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब बना रखी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी ही बिरयानी बनाना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों आज की लोकेशन हमारी ये रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनाएंगे हम आज चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना बढ़िया नज़ारा है। तो दोस्तों ये कुछ साथी यहाँ पे लगे पड़े हैं, वहाँ से पानी ले आ रहे हैं, और ये हमारी लोकेशन रहेगी दोस्तों आज की। भाई माचिस वहाँ थैले पे भाई। और तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा काम चल रहा है अभी। अब आपको हम पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। और ये हमारी सबसे पहले आग जलाई जा रही है, और यहाँ पर ये चावल भिगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको हम एक घंटे के लिए भिगाएंगे और तब जाके हमारी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। तो दोस्तों ये लिया हमने 2 किलो चिकन, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पीस कर रखे हैं, क्योंकि हमने चिकन बिरयानी बनाने तो छोटे पीस इसमें अच्छे नहीं लगते। और ये हमने पानी से साफ धो दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमने एक और डाला। अब इसमें दोस्तों हम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे बढ़िया से। और यहाँ पे कुछ धनिया की कटिंग भी चल रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें ऐड करेंगे हम दही, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने अभी 2 पैकेट डाले हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दही को हम चिकन के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और ये यहाँ पे हमने बढ़िया सा मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी कितना अच्छा लग रहा है। 1 पैकेट हमने इसमें फिर ऐड किया दही का, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे धनिया भी कट रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लोकेशन है। दोस्तों इसमें एक अदरक लहसुन का पेस्ट फिर डालेंगे हम, और ये हमने डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा मिंट हो गया, हरा लहसुन के पत्ते हो गए, और धनिया चॉप हो रहा है, और लहसुन का पेस्ट हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें मिक्स मसाले ऐड करेंगे हम, आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमने सरसों का तेल ऐड किया है थोड़ा सी, इससे भी हमारा बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया हो गया, हरा लहसुन के पत्ते हो गए, और पुदीना हो गया। ये तीनों चीज़ हम इसमें मिक्स कर देंगे और बढ़िया से मिला देंगे। तो दोस्तों अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बिरयानी की जो ग्रेवी है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पतीला चढ़ा दिया है, तो दोस्तों पहले से काफ़ी ब्राउन हमारा प्याज हो चुका है, और ये हमने जो मैरिनेशन में रखा है चिकन, ये हमने अभी यहाँ पे रखा है, जिससे कि इसमें सारे मसाले चिकन में बैठ जाए। और यहाँ पे प्याज चॉप हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चॉप प्याज को फाइन चॉप किया जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ये प्याज है इसको हम ओनली ब्राउन करेंगे और फिर निकाल देंगे, क्योंकि ये बिरयानी में हमारा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है अभी ब्राउन प्याज।
इसको निकालने के बाद इसको हम सुखाने डाल देंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए और बिरयानी में इसका बढ़िया फ्लेवर और क्रंची क्रंचीपन आ जाए मुँह में। तो अब इसमें हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं, और ये हमने जीरा हो गया और काली मिर्ची भी ऐड कर दी है, और इसको बढ़िया से भून देंगे। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम चॉप प्याज, और थोड़ा वो भी डाल देंगे जुलियन प्याज, थोड़ा ये हमने बड़ा बड़ा मोटा प्याज भी डाला है, और इसको अच्छे से भून देंगे। और इसमें एक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है, और यहाँ पे ये हमारे टमाटर कट रहे हैं, और देख सकते हैं साइड में ब्राउन ऑनियन भी हमने सुखाने डाल रखा है, जिससे ये बढ़िया क्रिस्पी रहेगा। और पहले से दोस्तों प्याज हमारा काफ़ी ब्राउन हो गया है, अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, और इनको अच्छे से भून देंगे। और इसमें हमने ऐड किया नमक, जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम हरी मिर्च, और इनको भी अच्छे से भून देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों। अब टमाटर भी अब काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, अब दोस्तों ग्रेवी में ऐड करेंगे हम जो चिकन हमने मैरिनेशन में रखा था, अब इसको हम धीरे धीरे से डाल देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमने डाल दिया है, और इसको अच्छे से भून देंगे, और थोड़ा ये धो देंगे जो हमारी ये ग्रेवी लगी है, मसाले लगे हैं, और इसको बढ़िया से भूनते रहेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें थोड़ा हम फिर मिक्स मसाले ऐड करेंगे, और ये एक हमने लिया है चिकन मसाला, और एक पैकेट हो डाला हमने इसमें चिकन मसाला आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से भून देंगे। अब दोस्तों इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, और अच्छे से पकाते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें डालेंगे अब हम ब्राउन ऑनियन, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, इसको अब हम निकाल देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बनाना स्टार्ट करते हैं बिरयानी के लिए चावल। तो दोस्तों इसमें थोड़ा पानी हम और डालेंगे, क्योंकि पानी कम है, और चावल लिया है हमने 1.5 किलो, और इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, और थोड़ा ऊपर से नमक ऐड किया, और इसमें ऊपर से हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे, तो हमारा पानी आप देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया सा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे अब हम जो चावल हमने भिगाए थे वो चावल डाल देंगे, और ये भिगाए हुए चावल हमने डाले हैं जो हमें जो भिगाते भिगाते हमें 1 घंटा हो गया था। अब इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा चावल तैयार हो गया है, अब इसको हम छानेंगे। तो इसके लिए हमने एक जाली वाला कट्टा ला रखा है पहाड़ी स्टाइल में, और इसमें सारा चावल डाल देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने इसमें सारा चावल पलट दिया है, और इसका हम सारा पानी निकाल देंगे, और थोड़ा 10 मिनट के लिए इसको सुखाने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा चावल क्या होगा कि एक एक दाने अलग अलग खिले रहेंगे। इस प्रोसेस से अगर बनाओगे तो आपके चावल पूरे अलग अलग एक एक दाने आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको अब थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, पहले से हमने चावल और भी फैला दिया है आप देख सकते हैं, और इसमें ऊपर से एक पतीले के ढक्कन से इसमें हवा भी दी जा रही है, जिससे कि हमारा चावल ठंडा हो जाए और आपस में चिपक ना जाए। तो चलो दोस्तों अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारी पहले चिकन की ग्रेवी थी, इसमें हम चावल धीरे धीरे ऐड करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमने इसमें चावल डाला आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये अब हमने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। और ध्यान रहे दोस्तों अब जब दम लगाने की बारी आती बिरयानी में, तो नीचे से आँच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी नीचे बिरयानी जल ना जाए, चिपक ना जाए।
अब इसमें ऐड किया ऊपर से हमने ब्राउन ओनियन, आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने अवसरों में फ्राई किया था, ये अब बड़ा ही और टेस्ट लाता है बिरयानी में। और ऊपर से हमने हरा धनिया होगा, हरे लहसुन के पत्ते और पुदीना, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है। और इसमें डाला हमने गुलाब जल और केवड़ा वाटर, मिक्स है इसमें गुलाब जल और केवड़ा वाटर हमने भी इसमें डाला है। अब दोस्तों अब आ गई इसमें दम लगाने की बारी, तो इसमें हम ढक्कन मार देंगे और ऊपर से पत्थर रख देंगे जिससे कि इसकी हवा बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों इसको हम 10 मिनट तक इसमें और दम लगाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी जो स्टाइल है ये पहाड़ी स्टाइल में हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं आप। और दोस्तों ये हमारी प्लेटिंग हो रही है खाने के लिए, जो कि हमने प्याज लिया है और दही ली है और यहाँ पे सारे फ्रेंड बैठ रखे हैं। तो चलो दोस्तों हमारी बिरयानी में दम लग चुका है, तो इसको देखते हैं, बंद करते हैं और लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारी चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब बन रखी है, आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब इसको हम सब में बांटेंगे, जो हमारी चिकन बिरयानी बन रखी है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब बन रखी है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी रेसिपी के हिसाब से और इसी स्टाइल में अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये पहाड़ी रेसिपी चिकन बिरयानी की, दोस्तों कमेंट्स करके बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन रखी है हमारी बिरयानी, तो आप देख सकते हैं चावल भी बिल्कुल खिला खिला सा है और बिरयानी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया नज़ारा है और कितना बढ़िया लोकेशन है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारी बिरयानी बनी है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया बिरयानी बन रखी है। तो चलो दोस्तों खाना स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी हम बिरयानी खा रहे हैं।